है दोस्तों, अगर आपको अपनी इंस्टाग्राम रील वीडियो वायरल करानी है तो इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की, इसके बाद ये वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ कैसे आप अपनी रील वीडियो को वायरल कर सकते हो। ये वीडियो दोस्तों खास करके बिगनर के लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, हो सकता है वीडियो बना रहे हो पर उनकी व्यू बहुत कम आती है, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जिनके फॉलोअर ठीक ठाक हैं पर व्यू नहीं आती है। दोस्तों मैं आप लोग को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी रील्स को वायरल भी कर सकते हो और साथ ही साथ अपने फॉलोअर्स को भी गेन कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं आप कैसे कर सकते हो। आपको दोस्तों मैं इस वीडियो में 5 ऐसे मेथड बताऊंगा जिसको आप अगर प्रॉपर यूज करते हो और समझ के उसको अप्लाई कर दो तो आपकी रील वीडियो वायरल होने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। फोकस ऑन सेटिस्फाइड टॉपिक, फोकस करना है आपको, सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए, आपको अंदर से आना चाहिए कि मुझे इस कैटेगरी में 100% सेटिस्फेक्शन है, मतलब मैं इसमें 100% अपना दे सकता हूँ। इसलिए आपको क्या करना है, एक ऐसी आपको कैटेगरी चूज़ करनी जिसमें आप अपना 100% दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डांस करते हो, रील्स पे डांस की वीडियो बनाते हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ डांस की वीडियो ही बनानी, ऐसा नहीं करना कि बीच में आप कॉमेडी करने लगे या कोई नई ट्रेंडिंग चल रही है तो फिर आपने अपनी कैटेगरी ही हटा दी, उस पर चले गए। इससे क्या होगा, जो आपके फॉलोअर हैं पहले जो आपको डांस के लिए फॉलो करते हैं, कल के अगर आपकी कॉमेडी वाली वीडियो देखेंगे तो वो आपको अनफॉलो कर देंगे। तो इसलिए आपको एक टॉपिक ही सिलेक्ट करनी है, उसी पे आपको अपनी रील्स की वीडियो बनानी है। तो फिर मैं मान लेता हूँ कि आपने अपनी टॉपिक सिलेक्ट कर ली है, फॉर एग्जाम्पल आप कॉमेडी ही बनाते हो, ठीक है, अब कॉमेडी में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कॉमेडी आपको बनाना है। सेकंड आपको क्या करना है, यूज वायरल एलिमेंट, आपको वायरल वीडियो को ही यूज करना है, आपको आपको जल्दी अगर अपनी वीडियो को वायरल करना है तो आपको सिर्फ वायरल वीडियो को चूज करना है। कैसे आप कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। वायरल एलिमेंट में आपको ये देखना है कौन सी वीडियो इस टाइम ट्रेंड कर रही है, उस पर आपको वीडियो बनानी है। वायरल एलिमेंट आपको इस तरह पता चल जाएगा, जैसे कि अगर आप रील्स देखते हो तो आप उसमें देख सकते हो कुछ वीडियो में मिलियन में व्यू आते हैं और लाइक भी बहुत ज़्यादा रहती है। आपको ये देखना है कि आपके कैटेगरी की ये वीडियो है कि नहीं। जैसे एग्जांपल तौर पे आप देख सकते हो अभी एक वीडियो बहुत एक बच्चे की जो है सॉन्ग की बहुत ज़्यादा चल रही है, जिस पर बादशाह ने भी वीडियो बनाई है और वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं। तो आपको देखना है कि कौन सी वीडियो किस टाइम वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती है, तो एक हफ्ता दो हफ्ता कुछ बहुत ज़्यादा चल जाती है, तो आपको बस मौके को देखना है और उस पर वीडियो बना देनी है। और अगर आपको समझ में नहीं आता कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वीडियो वायरल हो रही ट्रेंड कर रही है तो मैं आप लोग को बताता हूँ, आप यहाँ से पता कर सकते हो। आपको जाना है रील वाले ऑप्शन में, इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रील्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर साइड आप देख सकते हो ऑडियो का एक ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको देख सकते हो जितनी भी ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है सारे के सॉन्ग वगैरह म्यूजिक जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ सॉन्ग है, यहाँ पे कॉमेडी से रिलेटेड भी है और सारी म्यूजिक जो है ट्रेंड कर रही है उस पे आप वीडियो बना सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी हैं और आप इसमें चेक कर सकते हो, मैं इसमें प्ले इसलिए नहीं करूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है। आप जाइए यहाँ पे प्ले कीजिए और देख सकते हैं कौन सा ट्रेंडिंग चल रहा है यहाँ पे। इंक्लूड टेक्स्ट इन योर वीडियो, अब दोस्तों जो थर्ड मेथड है बहुत अच्छा मेथड है आपकी वीडियो को वायरल करने के लिए। अगर आप अपने वीडियो में टेक्स्ट का यूज़ करते हो तो आपकी वीडियो वायरल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वीडियो दोस्तों वायरल करने का एक तरीका काफ़ी अच्छा ये है कि अगर आपकी वीडियो में दम है, मतलब आप अपना 100% दे रहे हो पर आपकी ऑडियंस आपको वीडियो को देख नहीं पा रही, मतलब स्वाइप अप करते चली जा रही, कैसे आप उसको रोक सकते हो और अपनी वीडियो को दिखा सकते हो उनको। इसके लिए आपको अपने वीडियो में कुछ टेक्स्ट ऐड करने होंगे, क्या आप उसमें लिख सकते हो, जैसे कि वेट फॉर एंड वॉच टिल एंड, इस तरीके कुछ टेक्स्ट आप उनको लिख सकते हो, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है जब उसको पढ़ेगी तो आपकी ऑडियंस वहाँ पे रुकेगी, आपकी पूरी वीडियो देखेगी। इससे क्या होता है, आपने कई बार वीडियो देखा होगा कि लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें इंसान जाता रहता है, स्वाइप अप करता रहता है, पर जहाँ पे ऐसा लिखा हो तो सस्पेंस एक कुछ क्रिएट होता है कि भैया इसकी वीडियो में लास्ट में है क्या, तो इंसान पूरी वीडियो उसको देखता है और उसके बाद लास्ट में कुछ सस्पेंस होता है। आपको भी कुछ ज़रूर से कुछ ऐसा यूनिक कुछ रखना है वीडियो में अपने लास्ट में कि ये जो वेट फॉर एंड अगर आपने लगाया तो लास्ट में ऐसा कुछ होना भी चाहिए। तो इससे क्या है कि अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो आपके वो पेज को फॉलो करेगा और आपकी रील्स को बराबर भी देखेगा वो, तो इससे बहुत ज़्यादा रीच मिलते हैं इंस्टाग्राम की रील को। यूज़ योर ओन हैशटैग, अब दोस्तों जो फोर्थ मैटर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि रील्स के लिए नहीं, बहुत से सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिस पे ये मेथड यूज़ होता है और शायद आप पहले यूज़ करते हो पर उसमें गलतियाँ करते हो, मतलब गलतियाँ इसलिए करते हो कि हैशटैग जो आप यूज़ करते हो उसमें आप प्रॉपर हैशटैग नहीं डालते, कॉपी पेस्ट करते हो। तो कई बार क्या होता है, गूगल से आपने कॉपी किया इसने पेस्ट कर दिया, उसमें क्या है कि इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, उसमें मिलियन वाले जो हैं काफ़ी फॉलोअर उनके, उनका हैशटैग आप कॉपी कर दे रहे हो, तो आपकी वीडियो कैसे वायरल होगी।
आपकी वीडियो नहीं वायरल हो सकती, क्योंकि इंस्टाग्राम जो उसका एल्गोरिदम जो है एक ऐसी मतलब हैशटैग को यूज़ करता है जो कि नॉन कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन में ना हो तो आपके लेवल का जो हैशटैग वो वायरल करेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तगड़ा हैशटैग आपने लगा दिया आपकी वीडियो फटाफट वायरल हो गई। आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी का यूज़ करने से, अगर आपके एक हज़ार से दो हज़ार मतलब फॉलोअर अगर आपके हैं तो आपको 50K के अंदर का ही हैशटैग यूज़ करना है। आप वहाँ पे देखो जाके 50K के अंदर का जो हैशटैग है उसको आपको यूज़ करना है। आपको अपना हैशटैग बनाना है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आपको अपना हैशटैग बनाना है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई सॉन्ग है, आपने मतलब एक वीडियो जो आपने बनाई है तो आपको देखना है किससे रिलेटेड। अगर फ्रेंडशिप का वो सॉन्ग है तो आपको क्या करना है कि फ्रेंडशिप पे आप सोच सकते हो कितने हैशटैग बन सकते हैं, फ्रेंड के हैं और किसी टाइप के आप दिमाग में सोच सकते हो किस तरीके से आपके हैशटैग बन सकते हैं। और बाकी कहीं आपने घूमने गए हो, अगर गोवा गए हो और कहीं क्या नाम है दुबई गए हो तो दुबई में आप देख सकते हो किस तरीके से मतलब जो सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं उनको भी आप हैशटैग में बना के यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि अगर आपकी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल होने की चांस बढ़ जाती है। टैग दी ब्रांड्स। फिफ्थ मेथड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हो। ये जो टैग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर आप अपनी रील्स वीडियो में अपनी कैटेगरी के हिसाब से टैग करोगे सेलिब्रिटी को तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी डांस की वीडियो है, अगर आप डांस बना करते हो, अगर डांस आप करते हो वहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि किसी टैग यूट्यूबर को आप टैग कर दो तो इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको किसी डांसर ही को ही टैग करना है। अगर आप कॉमेडी करते हो तो आप देखो रील्स में जो कॉमेडी वगैरह कर रहे हैं उनके मिलियन में अगर आपके फॉलोअर हैं तो आप उनको टैग करो, ठीक है। अगर आप दुबई जा रहे हो, आप देख रहे हो कि दुबई में काफ़ी जो आप गए हो मतलब व्लॉग वगैरह अगर करते हो उसमें से अगर कोई क्लिप अगर आप जानते हो कि इंस्टाग्राम पे अगर आप रील बनाकर डालो तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि भाई दुबई में गया हूँ तो जो काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ के हैं तो उनको आप टैग कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो टैग है वो उनके जो प्रोफाइल पे टैग पे जाएगा तो इनके जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके प्रोफाइल पे बहुत से लोग विजिट करते रहते हैं, उस पर आपकी जो रील्स जाएगी तो उससे आपके रील्स को बढ़ेगा, वहाँ से लोग लाइक करेंगे और आपकी रील्स को देखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा रील्स मिलती है और वाकई वीडियो इससे बहुत ज़्यादा वायरल होती है। लास्ट में इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँगा। अब दोस्तों मैंने मान लिया कि आपने पाँचों मेथड आपने यूज़ कर लिया है, आपको एक अपनी कैटेगरी मिल गई है टॉपिक की, आपको इसी पे वीडियो बनाना है और आपको एक ट्रेंडिंग टॉपिक भी मिल गया, वीडियो मिल गई कि आपको इस पे बनाना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपने उसका टैग्स भी यूज़ कर लिया है और हैशटैग भी यूज़ कर लिया, आपने किसी ब्रांड को भी टैग कर लिया। पर दोस्तों अभी यहाँ आपका काम नहीं ख़त्म हुआ, आपको वीडियो अपलोड कर दिया आपने, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको वीडियो अपलोड करने के बाद ये इंस्टाग्राम आपको रिकमेंड करता है कि आपको इसी तरह की वीडियो लगभग 6 से 7 एक हफ्ते में आपको 6 से 7 वीडियो अपलोड करनी ही करनी है। पर आपने जो अभी वीडियो अपलोड की इसको आपको क्या करना है, आपको वापस से आपको नहीं देखना है, आपको जाना है स्टोरी पे, आपको इसको लगा देना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर आपके 1000-2000 फॉलोअर हैं उसमें कम से कम 50 ऐसे लोगों को तो आप टारगेट कर ही सकते हो जिससे आप बात करो, उनको शेयर करो, कहो भाई इसको आप अपनी स्टोरी पे ज़रूर लगा दें। क्योंकि जब भी आप अपनी कोई रील्स को अपलोड कर दो जो 4 से 5 घंटा होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस रील्स के लिए, उसी में आपकी वीडियो पता चल जाती है कि ये वायरल होगी या नहीं होगी। हालांकि किसी किसी वीडियो एक हफ्ते बाद वायरल होती है, पर जो सबसे ज़्यादा जो रीच मिलती है उसी टाइम मिलती है, लाइक जो है और शेयर है लोग सेव करते हैं उसी टाइम मिलती है। तो आपको सिंपल इसी तरह कहना है कि भाई मेरी वीडियो को लाइक करो, अपनी स्टोरी लगा दो, लाइक एंड शेयर का लगा दो, तो भाई 1000 में से कम 50 लोग ऐसे होंगे ही कि जो आपकी बात को सुनेंगे और करेंगे। इसे क्या है कि इंस्टाग्राम को लगेगा कि भाई इसकी वीडियो बहुत अच्छी है और लोग स्टोरी लगा रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, तो इससे आपकी वीडियो वायरल होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी कहा था ये वो एग्जांपल, ये मेरे छोटे भाई का इंस्टा अकाउंट है और इसकी एक वीडियो वायरल हो गई है और इसने प्रॉपर हैशटैग को यूज़ किया था, जैसे मैंने बताया था जो मेथड मैंने इसको बताया इसने यूज़ किया और इसकी वीडियो वायरल हो गई है और साथ ही साथ इसकी लाइक कमेंट अभी भी आते जा रहे हैं। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।